सोनीपत में नशा मुक्ति की आड़ में लोगों को बड़ी बेरहमी के साथ रखा जा रहा था। नशे की लत को छुड़वाने को लेकर परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र में छुड़वाया हुआ था। नशा मुक्ति को लेकर पहले भी शिकायतें मिल रही थी। जांच को लेकर सोनीपत में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की है। मौके पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने नशा मुक्ति केंद्र में रखे लोगों से बारी बारी से पूछताछ की है, जहां मौके पर नशा मुक्ति केंद्र में रह रहे लोगों का दर्द छलक कर सामने आया। उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र में उन्हें रस्सी से बांधकर बेरहमी से लाठी डंडों के साथ पीटा जाता है। यहां तक कि समय पर भोजन नहीं दिया जाता, ज्यादातर समय भूखा रखा जाता है। सुबह उठा देते हैं जी, कभी झाड़ू को मारो, कभी पोछा मारो, इतने सारे बर्तन है धुलवाते हैं, इतने बर्तन बाहर धो 500 रुपए दिहाड़ी मिल जाती है। मारपीट कैसे करते हैं? थप्पड़ अप्पड़ मारते हैं जी, मेरे तो बस थप्पड़ ही लगे हैं जी, डंडा वंडा तो मारा नहीं, थप्पड़ उप्पड़ मारे हैं, घूसे वूसे मारे हैं। तो कितने लोग यहाँ रह रहे हो तुम? 39-40 हैं जी। तो यहाँ तो किस नशे के लिए तुम यहाँ आए थे? दारू के लिए आए थे जी बस। अब तो 1.5-2 महीने होने वाले हैं जी, घर वालों को भी बोल दिया जी छोड़ दूंगा दारू। मुझे तो इससे बढ़िया जेल मानता हूँ सर जी, जेल में भूखे तो नहीं मरते हैं, तो भूखे मर जाते हैं। रोटियां नहीं मिलती हैं? रोटियां जी बहुत कम मिलती हैं, इतना सा दलिया देते हैं 9 बजे, फिर 1-2 बजे रोटी मिलती है, तब तक भूख के मारे पेट में सर जी जान भी नहीं रहती कुछ बोल पाए, और प्रार्थना करवा देते हैं, ठंडे पानी में नहलाते हैं सुबह सुबह। वही जानकारी के लिए बता दें कि नशा मुक्ति केंद्र की लाइसेंस की अवधि 2020 में समाप्त हो गई थी, उसके बाद लगातार बिना लाइसेंस के चलाया जा रहा है। जहां नशा मुक्ति केंद्र में 27 बेड की व्यवस्था रखी गई है और जिन पर 39 लोगों को रखा जा रहा था, वही क्षमताओं से ज्यादा लोग रखे जा रहे थे। लाइसेंस के मुताबिक 15 से ज्यादा लोगों को नहीं रखा जा सकता। नशा मुक्ति केंद्र को संचालित करने वाले बिजेंदर भटगांव, संदीप हुड्डा और उसकी पत्नी अवैध रूप से चला रही थी। वही मौके पर वार्ड बॉय और रसोईया भी नहीं रखा गया था। नशा मुक्ति में रखे गए लोगों की फाइल में जरूरी दस्तावेज नहीं मिले और लोगों की पहचान को लेकर काफी फाइल में आधार कार्ड भी नहीं पाए गए हैं। ये हमारे नशा मुक्ति केंद्र में आए थे, ये बिना रजिस्ट्रेशन के चालित है, बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा है और इसमें लगभग 40 मरीज रखे गए हैं। इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन भी कॉपी नहीं है कि कितने मरीजों को रखा जा सकता है। और जैसे हमारे एक्ट में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 होता है, उसमें एक सब सेक्शन होता है 107 सब सेक्शन 1, जिसके अकॉर्डिंग हम इन पे फाइन और पेनल्टी लगा सकते हैं। तो इसकी अथॉरिटी है स्टेट अथॉरिटी को होती है, जो हमें लाइसेंस प्रोड्यूस करके लाइसेंस इनको दिलाती है। तो इस दिशा में हम उनको लिखेंगे कि ये अवैध रूप से चलाया जा रहा है और इन पर उचित कार्रवाई की जाए और इसकी नियमित तौर से इंस्पेक्शन की जाए। सर अगर बात करें तो नियम क्या कहता है, कितने लोगों को एक साथ एक लाइसेंस पर रखा जाता है? वो लाइसेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इन्होंने हमें कोई भी लाइसेंस अभी दिखाया नहीं है, इस वजह से हम प्रॉपर नहीं कह सकते कि ये 15 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं या 40 रख सकते हैं। हम लाइसेंस के ऊपर या जगह के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर कुल मिला के 27-30 ही बेड है और उस पर 39 मरीजों को रखा गया है आज के दिन जो है। अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई है? आगे की कार्रवाई जो भी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर मेंबर्स हैं, जो भी इसकी टीम के मेंबर्स हैं, उनको ये उनके सहयोग से अथॉरिटी को बताया जाएगा कि भाई इसमें हमें नियमितता पाई गई है, आप इस पर कृपया एक्शन लें। ये हर्ष नशा मुक्ति नाम से चल रहा है, ये बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। मेरा नाम डॉक्टर संदीप अंतिल है, मैं सिविल अस्पताल में साइकेट्रिस्ट हूँ। वहीं पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने कार्रवाई करते हुए संबंधित थाने में भी शिकायत पर मामला दर्ज करने के लिए सिफारिश की है। पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी स्टेट बॉडी को मौके पर मिली हुई कमियों को लेकर कार्रवाई करने को लेकर लिखा है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।